जी सर, क्या नाम है आपका? मैं रामचरण कल्याण, पूर्व प्रधान नगर पालिका नगर परिषद कैथल जी। चुनाव को लेकर क्या कुछ दिक्कत आ रही है आपको? चुनाव को लेकर ये दिक्कत है, जो हमारी राज्य के प्रधान है नरेश शास्त्री जी, जी उन्होंने अपने लेटर में लिखा हुआ जी, सभी जगह इलेक्शन हो चुके हैं जी, और 11 तारीख को आज मतलब कैथल का इलेक्शन होना था जी। तो जो यहाँ के प्रधान है और जो जिले राज्य के अंदर है शिवचरण जी, तो हमने इन्होंने हमको बताया नहीं भाई मेंबरशिप काट रही है भाई, अब इलेक्शन है। तो हमने वहाँ स्टेट पे जो राज्य के प्रधान हैं उनसे पूछा, वो कहने लगे भाई हाँ 11 तारीख के इलेक्शन है कैथल के अंदर, पूरी बॉडी के मतलब पूरे हरियाणा के, और उनके आज का लेटर पैड है और सारी सूची दे दी हुई है, वो हम आपको लिखित में देंगे। तो फिर जब इलेक्शन है तो भाई इनको क्या डर है जी? पंचायत के अंदर फैसला पूछ रहा है कुछ, वो पंचायत के अंदर, पंचायत के अंदर तो उन्होंने मतलब जो हमारे तिगड़ा साहब यमुनानगर के मांगे राम तिगड़ा जी, उनके हाँ सुनील चनालिया जी, उनसे बात हुई जो स्टेट के सेक्रेटरी है राज्य के, वो कहने लगे भाई आप शिवचरण के पास जाओ और मेंबरशिप वो कॉपी लो और अपने मेंबरशिप काट के, और 11 तारीख को इलेक्शन है आप। आज 11 तारीख है क्या? हाँ, आज का इलेक्शन था, आज का इलेक्शन था जी। इलेक्शन कौन नहीं करा रहा? ये शिवचरण नहीं करा रहा। लेकिन क्यों? वो हम शनिवार को गए थे, उन्होंने स्टेज के राज्य के जो पदाधिकारी थे उन्होंने कहा भाई आप शिवचरण जी के घर जाओ, मैं और राजेंद्र टाक जी जो पूरा उप प्रधान थे पहले, तो हम दोनों गए, उसके हमने दरवाजा खड़काया, उसके लड़के ने आवाज़ लगाई भाई पापा भाई कोई आया है, तो फिर वो निकल गए, वो नहीं आए, उसका लड़का कहने लगा भाई पापा तो है नहीं घर पर, नहीं है कमेटी है, कमेटी है जी। हम कमेटी आए, कमेटी हमने पूछा क्लर्कों से भाई यहाँ शिवचरण जी आए थे, बोले भाई नहीं ये तो 11 बजे आए थे, अब नहीं है, वो वही घर था। आप शिवचरण जी से मिले हैं? मिले हैं जी, अब मीटिंग थी हमारी आज सुबह 10 बजे मिले थे। क्या बोले फिर वो? वो कहने लगे भाई 3 बजे आ जाना, 3 बजे मैं पार्क में आ जाना और बैठ के बात कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो आपका इलेक्शन हो रहा है पूरे हरियाणा के अंदर या कैथल कैथल में है? नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है जी। तो वहां पे इलेक्शन हो रहा है? तो हो लिया, कई जगह हो गया, शिवचरण आए नहीं है? नहीं जी आए नहीं जी, समय दे देते हैं लेकिन आते नहीं है, आते नहीं। अब भी 4 घंटे हो गए, हमने दे लो 3:30 बजे के बैठे हम सब कर्मचारी, ठीक है जी। और उसके बाद और ये भाई वहीं रहता है, संघ ने जिम्मेवारी दी थी इनको। हाँ जी, ये जी सर मैं डोर टू डोर का प्रधान जी, ये ना क्या नाम है जी? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र सर, ऐसा है मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मैंने जैसे हमने पहले वोट डाल रखे हैं डोर टू डोर ने, तो अब हमारे वोटों को काटा जा रहा है जी। कौन काट रहा है? ये शिवचरण जी बोल रहे हैं डोर टू डोर के वोट नहीं पड़ेंगे। जब क्या वो कार्य नहीं कर रहे हैं? 16 दिन की हड़ताल में पहले भी गए हैं, सारी जगह हमने ले जाते जी, सारा महल जो भी पर्ची कटे थी 100 रुपये की 200 की जो भी था हम देने लग रहे जी, हड़ताल में जहाँ बुलाए वहाँ गए, तो आज कह रहे हैं भाई तुम्हारे वोट नहीं पड़ते डोर टू डोर के। काम नहीं कर रहे आप? हम काम कर रहे हैं जी, और पहले तो ठेकेदारी पे, तो अब तो हम कमेटी के अंदर काम कर रहे हैं जी। हम तो सिर्फ यही बात पूछना चाहूँगा कि भाई मिले हमारे वोट क्यों नहीं पड़ रहे, क्यों कटाई जा रही है? इस बारे में आपने शिवचरण जी से बात की? हाँ सुबह मिले थे जी, कहने लगे 3 बजे आएंगे, हम तो 2 बजे के बैठे हैं उसकी बाट में जी। अच्छा। अभी तक तो आए नहीं, कह रहे अभी आए अभी आए, आधा घंटा पौना घंटा। अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो वोट डालना चाहवा जी, और ना ही हम ये सोच रहे इलेक्शन करवाना हमने तो जल्दी। तो आज की डेट दी गई थी? आज की डेट दी गई थी सर, तो आज कैंसिल करवा दिया कि आगे लेट लेंगे दूसरी हमारी मांगे के। और हाँ 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 जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है। तो क्या समस्या आ रही है? ये 11 तारीख को इलेक्शन होने थे यहाँ पे, और प्रधान नरेश शास्त्री के द्वारा लेटर भी जारी किया गया था सभी हरियाणा की कमेटियों का, पर यहाँ पे राज्य कमेटी से शिक्षण जी उप सचिव है
पर वो इन्होंने ना तो किसी कर्मचारी को कोई सूचना दी और उल्टा कर्मचारी को गुमराह कर रहे थे कि भाई 11 तारीख तक की तो सदस्य अभियान कटेगा और उसके बाद आप लोगों के इलेक्शन होंगे, जबकि उस लेटर में साफ साफ लिखा है भाई 2 तारीख तक तो सदस्य अभियान चलेगा और 11 तारीख को कैथल में चुनाव होंगे। उन तारीखों के मुताबिक जहाँ और जगह लिखे हुए थे वहाँ पर भी वैसे ही चुनाव हुए हैं जो तारीखें लिखी हुई थी। अब हमने ऊपर प्रधान नरेंद्र शास्त्री जी से भी बात करी, सुनील सिंघानिया जी से भी बात की, मांगेराम सिंगरा जी से भी बात की, उन सब ने यही बोला भाई आप लोग जाके शिक्षण से मिलो और उनसे कापियां लेकर कटवा लो। पर हम लगातार पिछले 4 दिनों से कोशिश कर रहे शिक्षण जी से मिलने की, वो हमें मिल ही नहीं रहे। घर गए, घर पे कह देते थे घर नहीं है, कल फ़ोन किया बोले शाम को 4 बजे मिलूँगा, फिर 4 बजे आए, 4 बजे बोला फिर 7 बजे मिलूँगा, शाम को 7 बजे आए फिर बोला सुबह 10 बजे मिलूँगा, फिर आज सुबह 10 बजे आए फिर बोला हमारी मीटिंग है जिस हिसाब से हम 3 बजे मिलेंगे। अब यहाँ पे दोपहर 3 बजे के बैठे हम ठंड में, और अब भी ये ऐसे बोल रहे हैं शिक्षण जी से बात हो रही है कि मैं DC ऑफिस की मीटिंग में हूँ, पर वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं चल रही उनकी और कुछ नहीं। वो घर पे हमारे कुछ साथियों से पता किया, वो अपने घर पे ही थे ना कि मीटिंग में थे। वो इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते? वो इलेक्शन पता नहीं लोग गुमराह कर रहे हैं लोग कर्मचारियों को, भाई हमारा शासन ऐसे ही चलता रहे यही है कारण, और क्या कारण है? जैसे कि वो राज्य कमेटी का मेंबर है उसका तो फर्ज है भाई आज की कैथल कमेटी भंग हो चुकी है और यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाए। वो क्या सभी जो कर्मचारी हैं वोट पाएंगे? हाँ जी हाँ, सारे कर्मचारी ने पिछली बार भी वोट पाई थी और अभी भी सारे कर्मचारी वोट पाने के लिए तैयार है। जो अभी बोल रहे थे डोर टू डोर वाले भी पिछली बार हमारी तीन जनों की कमेटी बनाई गई थी, जिनमें पंकज की मैं देशराज और बिट्टू दरोगा, और तीनों में फैसला लिया गया था भाई डोर टू डोर की वोट डलेगी और फिर डोर टू डोर की वोट भी डलती। जब पिछले प्लान में डोर टू डोर की वोट डाली डलवाई गई थी तो अब ऐसा क्या हो गया कि हाँ भाई डोर टू डोर की वोट नहीं डलेगी? हम तो टोटल कितनी वोट है आपकी? टोटल वोट 500-550 के आसपास है हमारी जी। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? हम नरेंद्र शास्त्री जी से ये मांग करते हैं भाई अकेले शिक्षण के कहने पर आप ना चले जी और हमारे इलेक्शन करवाए जाए, वो आपको भी गुमराह कर रहा है और नीचे कर्मचारी को भी गुमराह कर रहा है। और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि आप हमारी यूनियन भंग हो चुकी है और कृपया यूनियन का दबाव ना माने किसी भी गलत कार्य करवाने के लिए। हाँ जी मैडम जी, क्या नाम? सर नमस्ते सर, ये है देखो पूरे शहर का गंद डोर टू डोर उठा रही है, ठीक है 7 बजे निकल रहे हैं और हमारे पहले भी वोट पड़ी है, हमारे पास सबूत भी हैं पर्चियाँ, तो आज ये सिर्फ चरणमिंद्र ये कह रहा है कि मैं इनकी डोर टू डोर की वोटिंग पाता, एक बार हमारे सामने होके बात करो भी क्यों नहीं पुआना चाहते, क्या मतलब बात है? पहले वोट पड़ी हैं आपकी? हाँ पड़ी हैं सर, बस वो पर्चियाँ भी घर पड़ी हैं, सारे सबूत हैं और सारा गंद डोर टू डोर उठा रही है, सवेरे 7 बजे निकलते हैं। तो अभी आप क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं सर, पहले भी हमारी वोट पड़ी है, आज भी पड़नी चाहिए। तो इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन लड़ेंगे सर, वोट भी पाएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं रामचरण कल्याण, पूर्व प्रधान नगर पालिका नगर परिषद कैथल। जी चुनाव को लेकर क्या कुछ दिक्कत आ रही है आपको? चुनाव को लेकर ये दिक्कत है, जो हमारी राज्य के प्रधान है नरेश शास्त्री जी, जी उन्होंने अपने लेटर में लिखा हुआ जी सभी जगह इलेक्शन हो चुके हैं जी, और 11 तारीख को आज मतलब कैथल का इलेक्शन होना था जी, तो जो यहाँ के प्रधान हैं और जो जिले राज्य के अंदर है शिवचरण जी, तो हमने इन्होंने